जिले के जिला चिकित्सालय में इलाज के नाम पर स्टाफ नर्स देती है मरीजों को धमकी तथा करते हैं अभद्रता का व्यवहार, नहीं देते हैं कंबल और चादर। जी आपको बता दें कि आज जिला अस्पताल में मरीज सीमा पत्नी मोहम्मद आसिफ मोहल्ला गुल्लावीर कॉलोनी के सालारगंज बहराइच की रहने वाली, जो कि वर्तमान समय में जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में बेड नंबर 1 पर भर्ती है। मरीज के घर वाले स्टाफ रूबी, जो कि अस्पताल में संविदा पर तैनात है, मरीज की बोतल खत्म होने पर स्टाफ से कहने गई तो स्टाफ रूबी ने अभद्रता का व्यवहार किया तथा लापरवाही से वीगो निकाला, जिससे मरीज का काफी खून बह गया। ऐसे ही उसी वार्ड के बेड नंबर 15 के मरीज तुलसी राम, जो कि एक संत हैं और सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, चलने फिरने में अस्वस्थ हैं, उसे भी गाली गलौज तथा मुफ्त में खाना खाने की बात कहकर थाने में बंद कराने की बात कही। मरीज अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर पड़ा रहा। दोनों मरीजों ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं है जी। आप किसी को बुला लीजिए, तो हम कहा आप ही बैठी हैं, आप हम किसको बुलाएंगे, जब आप बैठी हैं तो आप ही को बुलाएंगे। तो कहीं हम नहीं जाएंगे, हम किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं। तुमने तो हमारा दिमाग खराब कर रखा है, जब देखो तब मेरे पीछे चली आती हुई। तो हमका जब तुमका नहीं करना था तो फिर आप डॉक्टर क्यों बनी थी? आप डॉक्टर नहीं बनती तो हम आपके पीछे नहीं लगते। तो कहीं जितनी जो है गरीब होती गंदी गिरी हुई औरतें, वो सब यही कहती हैं, यहाँ कहाँ से तुम्हारा व्यवस्था बना है, तुम्हारी बाहर से दवाई एक भी नहीं लगाएंगे हम जी। जो हमारे हॉस्पिटल में वही लगाएंगे और बाकी नहीं लगाएंगे, मरो या जिंदा रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दिनों से बढ़ती है? परसों से। तो यहाँ पर क्या सुविधा है, कोई डॉक्टर देखने आते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? हो गया सो हो गया, हम क्या करें, किसी की बदनामी करके हम सुखी होते हैं, तो क्या करने आते हैं। एक नर्स सुबह जो हमारे साथ बर्ताव किया है मैं ही जानता हूँ, जो को घुसना है लिखना है लिख लीजिए, मरना तो है ही एक दिन। जब यहाँ कुत्ते के सामान और सुअर के सामान खाना खाने आए हैं तो दवा कराइए।